पूर्णिया में नगर निगम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और प्रत्याशी अपनी दावेदारी को तेज करते दिख रहे हैं और अपने अपने दावे ठोक रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे। कई सारी प्रत्याशी जो हैं नगर निगम चुनाव में जो हैं नामांकन दर्ज करने के बाद नगर में घूम घूम कर लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी मंशा क्या है, हम क्या देना चाह रहे हैं, किस तरह पूर्णिया का विकास करना चाह रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हम उपमेयर के प्रत्याशी जो खड़े हैं मैदान में, जो महिला प्रत्याशी हैं प्रियंका वर्मा, आज उनके बीच में हम मुखातिब हुए हैं खास मुलाकात को लेकर कि क्यों वो मैदान में खड़ी हैं, क्या मंशा है, क्या पूर्णिया का बदलाव करना चाहती हैं। तो कोशी आलोक में आपका स्वागत है। क्यों राजनीतिक में आना चाहती हैं आप? मैं पहले अप्रत्यक्ष रूप से स्कूल के माध्यम से सेवा करती रही थी और मुझे बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे प्रत्यक्ष रूप से आकर के इस सब समस्या को निदान करना चाहिए। मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं यहाँ की पूर्णिया की बेटी बहू हूँ। मैं बहुत सारी प्रॉब्लम को देखी, मुझे लगता है कि ये सब प्रॉब्लम को सुधार करने की आवश्यकता है। जी ये बताइए प्रियंका वर्मा जी, आप नामांकन दर्ज कराने के बाद क्षेत्र में घूम रही हैं तो क्या कमी देख रही हैं, क्या दिक्कतों का सामना पब्लिक यहाँ पर कर रहे हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम देख रही हूँ मैं। हर तरह जल जमाव है, जहाँ तहाँ कचरा फेंका हुआ है, कहीं जगह बहुत सारी बदबू आ रही है, उस तरह से बहुत सारी परेशानी है। कहीं नाले का पानी गड्ढा में, मतलब वो ढक्कन लगा हुआ नहीं है। मैं तो आज जा रही थी तो एक जगह मेरे पैर भी गड्ढे में गिर गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम देख रही हूँ मैं, इस सब सारी प्रॉब्लम को दूर करना चाहूँगी। क्या कैसे दूर करेंगे आप? मैं जब इस पद पे जब आऊँगी तो मैं अपने माध्यम से जो सरकार के द्वारा मदद मिले, मैं उसके द्वारा मैं बहुत सारे काम को पूरा करनी चाहूँगी। जो बहुत सारा काम अधूरा रह गया है, जो कहीं मुझे कोई काम तो दिखाई दे रहा नहीं दे पा रहा है कि ये सब काम पूरा हो चुका है, बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने देखा है तो मैं सबको दूर करना चाहूँगी। क्या प्रॉब्लम खास तौर पर नज़र आ रही है? शहर में घूम रहे हैं आप खुशकी बाग जाती हैं, लाइन बाज़ार जाती हैं, क्या मुख्य समस्याएं नज़र आती हैं, क्या दिक्कत देखती हैं? चारों तरफ सिर्फ बरसात का जो पानी है वो चारों तरफ जमा हुआ है, वो बहुत मुश्किल कर रही है। और गंदगी तो खैर उसका कोई बात ही नहीं है, वो इतना ज़्यादा गंदगी फैला हुआ है और वहाँ जहाँ जाइए वहाँ पूरी बदबू आती है, उससे तो स्वास्थ्य भी लोगों की खराब हो गई। लाइन बाज़ार में क्या समस्या? लाइन बाज़ार में तो बहुत सारी समस्याएं होती है। ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। कोई ट्रैफिक नियम के हिसाब से तो नहीं चल रही है। यहाँ एक ट्रैफिक लाइट, मतलब ट्रैफिक सिस्टम भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आदमी भी, मतलब इससे भी आम जनता नया चीज़ भी सीखेंगे, ट्रैफिक नियम भी जानेंगे, जो लोग यहाँ के लोग नहीं जानते हैं। जहाँ वहाँ गाड़ी निकल रहा है, गाड़ी घुस रही है, बहुत सारी दिक्कत तो हो रही है। प्रियंका जी ये बताइए, खासकर आप महिला हैं और उपमेयर का चुनाव लड़ रही हैं, तो ये हम जानना चाहेंगे महिलाओं के लिए जो दिक्कत पूर्णिया में होती है, खासकर क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या परेशानी हो रही है? आप यहाँ से आप खुद ही चले जाइए, यहाँ से अगर आप भट्टा जा रहे हैं, आप यहाँ की गुलाबबाग मार्केट जा रही हैं, तो आपका अगर आपको वाशरूम भी लग जाती है, एक महिलाओं का अगर वाशरूम भी लग जाती है तो आप कहाँ जाएंगे? इसके लिए एक सुलभ शौचालय की तो व्यवस्था होनी ही चाहिए, तो ये सब व्यवस्था तो एकदम भी नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे आती है। आप पूरा दिन भी, कभी कभी शादी वादी का एक कार्यक्रम होता है, लोग पूरा दिन मार्केट करते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम तो बहुत सारे फेसेस होती ही हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमसे मिलते हैं तो बताते हैं कि अरे वहाँ गए थे तो देखो तो एक वाशरूम की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं वाशरूम बना? हालांकि जिला स्कूल में वाशरूम बना मगर ताला लॉक है, क्यों लॉक है? या इससे पहले जो मेयर उपमेयर या जो भी वार्ड पार्षद रहे हैं अपने क्षेत्र में, क्यों नहीं विकास किया, क्या कारण लग रहा है आपको? यही तो जानना चाह रही हूँ, जब सरकार के द्वारा ये सब में फंड जो आ रही हैं तो फिर क्यों नहीं बनाया जा रहा है? छोटी छोटी चीज़ ही दिक्कत क्यों आ रही है? बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम तो हो ही रही है महिलाओं को, तो ये सब तो मुझे जानना पड़ेगा ही और नई नई समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। ये चीज़ बताइए, हर वार्ड में सड़क का भी निर्माण हो रहा है, नाले का भी निर्माण हो रहा है, छोटी बड़ी नालियाँ बन रही है, लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं विकास होना चाहिए वो विकास अभी भी अवरुद्ध है। तो आप उपमेयर बनने के बाद किस तरह काम करेंगे, क्या एजेंडा होगा आपका? बस मेरा यही एजेंडा चलेगा कि जो सारी प्रॉब्लम मैं जो गली मोहल्ले जा जा के जो देख रही हूँ, मैं उस सारी समस्याओं को दूर करने चाहूँगी। लोग मुझे बहुत सारी बातें, अपनी अपनी बातें बताती हैं, मैंने उसे भी नोट करती जा रही हूँ
और जो जो वो अपने प्रॉब्लम बता रहे हैं, मैं सड़क की समस्याओं को दूर करूंगी, जल जमाव की समस्या को दूर करूंगी, नाले बनवाऊंगी, सुलभ शौचालय बनवाऊंगी और जो जो समस्या लगे ट्रैफिक नियम रूल रेगुलेशन भी बनवाऊंगी। कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे आप? सरकार की मदद लेके मैं करना चाहूंगी। मैं इस पद पे खड़े हो करके जो सरकार मुझे मतलब हेल्प करे और उपमेयर बनाए और मैं उससे नया नया चीज़ सीख करके सारी प्रॉब्लम को दूर करने। अच्छा प्रियंका जी, ये बताइए कि जो वार्ड में सड़क नाले बनाए जाते हैं, बन तो जाते हैं मगर जो उनका रिपेयरिंग का काम होता है वो काम नहीं हो पाता है और फिर से उस सड़क या नाले को बनाने के लिए फिर से आवंटन देना पड़ता है। इसी तरह की मिसमैनेजमेंट को रोकना चाहूँगी। मैं जो जनता की फंड है, मैं जनता के काम के लिए, जनता की सहायता के लिए लगाना चाहूँगी। अच्छा प्रियंका जी, ये बताइए, जो आप उपमेयर का चुनाव लड़ रही हैं, आपकी भागीदारी है पूर्णिया में और जिस तरह अभी आप घूम रही हैं जगह जगह पर, लोगों की समस्याएं सुन रही हैं, तो कैसे आने वाले दिनों में जो आपने अभी एजेंडा बताया है जीतने के बाद वो कर देंगी आप? जी एकदम, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जितने सारे एजेंडा बता रही हूँ या मैंने जितने सारे प्रॉब्लम नोट्स किए मैं सबको दूर करना चाहूँगी। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि जो भी इससे पहले मेयर, उपमेयर या जो भी वार्ड पार्षद बनते हैं, चुनावी दौरान में ऊंचे ऊंचे वादे करते हैं, घरों में जाकर सबको प्रणाम करते हैं कि मैं ये कर दूंगा अपने वार्ड में या समाज में, फिर वो जाकर भूल जाते हैं, 5 साल बीत जाता है फिर वो जाते हैं। इसलिए मैंने ये पूछा फिर से एक बार कि आप वो कर देंगी? जी एकदम मैं करूंगी। मुझे एक बार तो मौका मिले, आप सबका प्यार आशीर्वाद मिले, तो मैं ये सब प्रॉब्लम दूर करना चाहूंगी। तो ये थी प्रियंका वर्मा, जो इंडियन पब्लिक स्कूल से जुड़ी हुई हैं और हमारे पीछे में जो बैठे हुए हैं अमित वर्मा जी, आइए हम उनसे बात करते हैं कि जो प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं और क्या समस्याएँ देख रहे हैं, समाज में किस तरह दूर होगी? समस्या तो अनगिनत है और समस्या देखने से तो नई सोल्यूशन होगा। समस्या जो भी है डेली एक नई समस्या आएगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ परमानेंट होता है। आज हम किसी समस्या का निदान कर दें और दोबारा वो समस्या नहीं आएगी। यू आपको सुगम और सरल होना होगा जनता, ताकि आपके पास आए, अपनी बात रखे, अपनी बात बोले, आपको बेहिचक कुछ बोलने के लिए वो उसको सोचना नहीं पड़े और उसको लगे कि मेरा कोई सुन रहा है। सर आप स्कूल से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये राजनीति में आने का, आपके परिवार के सदस्य राजनीति में आ रहे हैं, क्यों ऐसा कदम उठाना पड़ा कि आप राजनीति में आ रहे हैं? जरूरी है सर। देखिए आज राजनीति नेता शब्द एक गाली हो गया है, नेता शब्द एक गाली है। जब तक अच्छे लोग, शिक्षित लोग नहीं आएंगे, ये परसेप्शन ये ख़त्म नहीं होगा। हमको ये परसेप्शन ख़त्म करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है सर। अब तो क्या कहें, हम तो नहीं कहना चाहते हैं बहुत बात, अब तो नेता पन जात धर्म इससे जुड़ गया है, राजनीति हो कहाँ रही है? राजनीति तो जात की राजनीति होती है, धर्म की राजनीति होती, यही हो रही है। मुद्दा पर कहाँ हो रही है, बातचीत कहाँ हो रही है, काम कहाँ हो रही है? जितना है तो बस ये समीकरण कुछ लगाओ और जीत जाओ। समाज में कितने लोग आपके साथ हैं? हमको लगता है मेरे 20 ईयर का सर्विस, जो हमने सर्विस दिया है, जो हमारी हिस्ट्री है, जो एजुकेशन के थ्रू हमने जो सर्विस दिया है, वो लोगों ने गर्म जोशी से मुझे एक्सेप्ट किया है सर। हम जाते जाते सर हम आपसे एक लास्ट सवाल पूछेंगे कि अचानक ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा कि उपमेयर में आपके घर के सदस्य को खड़ा होना पड़ा? बस लास्ट प्रबुद्ध लोग बैठक के दौरान प्रबुद्ध लोगों का कहना था कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते। अचानक मुझे लगा जब अच्छे लोग नहीं आते तो महिला क्यों नहीं है ना, हम कोशिश करें अपने घर से एक बार, हम क्यों ना कोशिश करें या देखते हैं क्या होता है, और भगवान हमको सफलता देगी ये मुझे मालूम है। तो ये अमित वर्मा थे, इंडियन पब्लिक स्कूल के निदेशक, जो तमाम जानकारी आप तक दे रहे थे और बता रहे थे क्यों ये खड़े हुए हैं इनके घर के सदस्य। लोगों ने, यहाँ के लोगों ने कहा कि आपको खड़े होना चाहिए, समाज में जो कमी है उनको दूर करने के लिए ये इन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खड़ा किया है और इनका दावा है कि जीत हमारी पक्की है। अब देखना है कि 20 अक्टूबर को जनता
क्या फैसला सुनाती है और 22 को रिजल्ट आएगा तो आपके सामने होगा। फिलहाल यूं ही आप बने रहें, देखते रहें कोशी आलोक। हम नगर निगम की पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बने रहें, देखते रहें कोशी आलोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज, पूर्णिया।